क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से वेलकम टू बास ऑनलाइन आई एम डॉक्टर सिंह तो चलिए बेटा एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में आगे बढ़ेंगे तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं तो अभी तक हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर बेटा हम देख चुके हैं तो एक काम करते हैं फटाफट उसको हम रिव्यू करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं मैं जैसे हर बार लेक्चर के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं हूं मैं कहता हूं भाई आपसे कि चैप्टर के दौरान आप बोर हो सकते हैं और बोर होने में, में मेरी गलती नहीं है वो कंटेंट ही ऐसा है और इसलिए थोड़ा सा सब्र के साथ पढ़ना पड़ेगा और मैं पूरी ईमानदारी से मैं हर बार यही शपथ लेता हूं पता नहीं कितना कामयाब होता हूं मुझे नहीं मालूम है आप बता, मुझे बताइएगा कि चैप्टर आपको बोर तो नहीं लग रहा है सीखने मिल रहा है नहीं मिल रहा है एमसीक्यू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं

टिश्यू जो है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो एपिकल मैं इंटर कैलरी मैस्टम होते हैं और लेटर मोइम होते हैं फिर यदि आप ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी माइस्टम होते हैं और एक होता है प्रो प्रोमेस्टम जो प्राइमरी मेस्टम को प्रोड्यूस करता है ठीक है क्लियर अच्छा आपके लिए जो जो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि बताइए फेसिकुलर कैमियम जो मैं फिर से लिख देता हूं बताइएगा कि फेसिकुलर कैम्बियम फेसिकुलर कैम्बियम ठीक है क्या बोला मैंने फेसिकुलर कैम्बियम बोला के ये ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी है या सेकेंडरी है लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का हमारे में है आप बताएंगे आपको बताना है

स्टीरोम वर्ड का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे ठीक है ना क्लियर किस प्रकार के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो है सेल वॉल में अन इवेन, सेल वॉल में अन इवेन, प्राइमरी डिपोजिशन देखने मिलता है के किस प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू में किस प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको अनइवन प्राइमरी डिपोजिशन देखने मिलता है तो परमानेंट टिश्यू क्या हुआ बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू उसके तीन टाइप हो गए पेरेंट कायमा कोलिन काय स्किन कायमा दूसरे हो गए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसमें क्या आ गया जाइलम और फ्लोएम आ गया ठीक है जाइलम जाइलम के के अंदर अंदर एकमात्र एकमात्र लिविंग कंटेंट क्या होता है लिविंग भाग है जीवित से भाग क्या होता है ये भी आप मुझे बताएंगे आप जाइलम में कौन सी सेल्स ऐसी है कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि लिविंग होता है ठीक है फिर आप मुझे बताएंगे कि फ्लोएम के अंदर के आपको बताना है कि फ्लोएम के अंदर फ्लोएम के अंदर

फिर आपको बताना है कि व्हाट आर दी लिथोसाइट लिथोसाइट क्या होती है किस तरीके सेल होती है लिथोसाइट ये भी आप बताएंगे ठीक है अब ये क्यों पूछता हूं बार बार ताकि आपको चीजें याद रहे बेटा क्लियर फिर हमने क्या देखा था पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है फिर कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स में तीन लेयर होती है हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स और सबसे अंदर वाली लेयर होती है जल्दी बताओ क्या होती है? एंडोडर्मिस वेरी गुड के और इन तीनों परतों में से किस परत में आपको कैस्परन स्ट्रिप देखने मिलती है यानी कॉर्टेक्स की कौन सी ऐसी लेयर होती है जहां पर आपको कैस्परन स्ट्रिप्स देखने मिलती है क्लियर क्या देखने मिलती है

टिशू सिस्टम को देख चुके हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को देख चुके हैं आज हम बात करेंगे दर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज याद रखिएगा जैसे याद है आपको ग्राउंड टिश्यू के अंदर साफ साफ लिखा था कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सिंपल टिश्यू होते हैं यहां पर क्या होते हैं टिश्यू होते हैं में क्या होते हैं ये phloem होता है और xylem होता है। xylem और फ्लोएम को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं तब हम उसको बोलते हैं एक संवहनी तंतु कहते हैं एक बंडल कहते हैं क्लियर इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम के डाइकोट स्टेम में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच पाया जाता है अब देखो बेटा मैं आपको बताया था ऑलरेडी कि इस कैम्बियम को क्या बोलते हैं इस कैम्बियम को बोलते हैं हम फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं इसको हम फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं हम ठीक है इसको हम इंट्रा इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं इसको हम इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं तो बेटा देखो याद रखना अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था बता आपको कि जो है, इंट्रा है, ये ये शुरू शुरू से से स्टेम स्टेम में, स्टेम में जाइलम और फ्लोएम आउटसाइड होता है, इनसाइड होता, है, और ये होता है प्राइमरी ओरिजिन का क्या होता है यही क्वेश्चन मैंने आपसे किया था समझ लो अच्छे से बेटा इसको ठीक है लेटरल मेरिस्टेम होगा पर प्राइमरी ओरिजिन का होगा शुरू से प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम के बीच में होगा जाइलम अंदर होगा फ्लोएम बाहर होगा के इस प्रकार का होगा बेटा ठीक है ये फ्लोएम है ये जाइलम है और ये हो गया आपका फेसिकुलर कैम्बियम हो गया ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन टाइप क्या बोलते हैं ओपन टाइप कहते हैं ठीक है क्या लिखा है सच वेस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पजेज

जब कभी वेस्ट डाइको स्टेम में बंडल के बीच में जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको कैम्बियम की पट्टी दिखाई पड़ती है उस कैम्बियम की पट्टी को बोलते हैं, बोलते हैं, या केवल वर्ड करते हैं। और ये, इस तरह के बंडल को देर ओपन फॉर ग्रोथ ठीक है जबकि मोनोकॉट में क्या होता है इन दी हैव नो कैम्बियम

वेस्टोबिंडल आर अरे इन ए अल्टर अलॉन्ग विधि हो गया जैसे रूट में होता है रूट में क्या होता है कि xylem ने, xylem से ये मैंने कहा यह ये, ये जो है वो एक रूट का ट्रांसफोर सेक्शन है एक रूट का ट्रांसफोर सेक्शन है ठीक है क्या देखा रूट में जायलम येलम है ये जायलम है ये जायलम है ठीक है थीके? ये एक ये जायलम है इनके इनका अपना रेडियस क्या है ये एक पर्टिकुलर रेडियस पर ये अपने आप को अरेंज क्यों है ये जायलम है रेड से जायलम को शो किया हमने ठीक है फ्लोएम क्या है ये फ्लोएम है ये फ्लोएम है ये फ्लोएम है अब फ्लोएम ने क्या किया अलग रेडियस पे फ्लोएम ने क्या किया अपने आप को एक अलग रेडियस पे उसने जो है वो अपने आप को अरेंज किया फ्लोएम अब बट ऑब्वियस सी बात है फ्लोएम आउटसाइड होगा और जो है वो जाइलम इनसाइड होगा परंतु दोनों एक साथ एक साथ बंडल में नहीं है दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है एक साथ एक बंडल में नहीं है दोनों एक साथ एक रेडियस में नहीं है तो ऐसे बंडल को बोलते हैं ऐसे है हम क्या लिखा देखिए जब जाइलम और फ्लोएम एक वैस्को बंडल में अल्टरनेट मैनर से एक के बाद एक के यानी अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम के अलग अलग रेडियस पर होते हैं तो ऐसे रेजिमेंट को हम बोलते हैं रेडियल बोलते हैं तो इसे बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं आपके याद रखिएगा आर फॉर रेडियल आर फॉर रूट रूट में आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रूट में आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल जो है वो देखने मिलेगा आर फॉर रेडियल आर फॉर रूट ठीक है फिर

ज्वाइंटलीफ देशमंडलते हैं इंपॉर्टेंट रूट है. में होता है में और कॉन्जॉइट वेस्कोम में क्या होता, मैंने बताया आपको, phloem, होता है बेटा और जाइलम जो है इन साइड उतर के फ्लोएम हमेशा से बाहर तरफ होगा कॉन्जॉइंट तो इसका मतलब कॉन्जॉइंट बंडल जो है वो ओपन टाइप होगा डाइकॉट स्टेम में डाइकॉट स्टेम में ठीक है और वो क्लोज टाइप होगा मोनोकॉट स्टेम में याद रखिएगा डाइकॉट की लीफ में भूलिएगा मत डाइकॉट की लीफ में बंडल होते, है, होते हैं कॉन्जाइट क्लोज टाइप नॉट ओपन टाइप कॉन्जाइंट क्लोज टाइप होते हैं ठीक है देखिए समझिए पहला वाला क्या है देखिए आप जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर दिखाई पड़ रहे हैं तो ये है बेटा रेडियल ये है रेडियल जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग, अलग अलग रेडियस पर अल्टरनेटली हमको दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है फिर दूसरा देख रहे हैं हम इमेज बी देख रहे हैं बाहर फ्लोएम है अंदर जाइलम है एक साथ प्रेजेंट है बीच में कैम्बियम की पट्टी नहीं है ये क्या हो गया ये हो गया कॉन्ज्वाइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप ठीक है कोलेट्रल पोजीशन पे क्लोज टाइट और दूसरा वाला क्या है फ्लोएम अंदर बाहर जाइलम अंदर बीच में कैमिंग की पट्टी कॉन्जाइंट कोलेट्रल ओपन टाइप कॉन्जाइंट कोलेट्रल ओपन टाइप का है ठीक है ये तीनों इमेजेस आपको याद रखने के इंपॉर्टेंट होता ये ठीक है याद रखिएगा इमेजेस एक बार देख लीजिए बेटा इसको ना क्योंकि एग्जाम में आता है ये सब Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. Okay.

प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा जाइलोइक प्रोकेमियम प्राइमरी जाइलम बनाएगा मतलब प्रोकेमियम क्या होता है वो मेरिस्टेम का हिस्सा होता है जो वेस्कुलर बंडल्स को प्रोड्यूस करता है जो फ्लोएम को बनाएगा फ्लोइक प्रोकेमियम जाइलम को बनाएगा जाइलोइक प्रोकेमियम के बाद कहलाएगा ठीक है अब इंपॉर्टेंट बात फ्लोएम ऑलवेज डिफरेंशिएट सेंट्रिपिटली फ्रॉम पेरिफेरी टू तो सेंटर के

मैंने कहा था आपसे कि प्रोटोजाइलम अंदर मेटाजाइलम बाहर डेवलपमेंट अंदर से बाहर होता है स्टेम में होता है एंडार्क जाइलम बोलते हैं स्टेम में होता होता है है के सेंटर से बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम अंदर होगा मेटाजाइलम बाहर होगा जबकि जबकि रूट में क्या होता है रूट में प्रोटोजाइलम पेरीफेम होता है मेटाजाइलम अंदर की होता है तो रूट में होता है सेंट्रिफिटल डेवलपमेंट होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एग्जार बोलते हैं तो रूट में होता है एक्जैक्ट वेस्टोबंडल और स्टेम होता है एंडार्क और फर्न के तने में होता है मीजारक याद रखिएगा यहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों चीजें देखने मिलती हैं एक्सेप्शन एग्जाम में बेटा पूछे जाते इसलिए दिमाग में रहना चाहिए क्लियर ठीक है अब एक वेस्टोबंडल के एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा तो मैंने आपसे कहा

लेटरल इन पोजिशन इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखिए कैम्बियम शुरू से पाया जाता है इसलिए वह प्राइमरी मेस्टिंग का भाग होता है और लेटरल पोजिशन होता है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं दो प्रकार की सेल होती हैं एक होती है फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल दूसरी होती है रे इनिशियल सेल एक होती है फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल दूसरी होती है रे इनिशियल सेल के अब देखो बेटा

सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है इनमें डिवाइड करने की क्षमता होती है ठीक है जब ये फेस्कल केम वेब्स टो बंडल में प्रेजेंट होगा उसे ओपन टाइप बोलेंगे नहीं प्रेजेंट होगा उसे क्लोज टाइप बोलेंगे डाइकोट स्टेम होता है बेटा डाइकोट स्टेम और एंजियोस्पर्म की लीफ में होते हैं इस को क्लोज टाइप होते हैं और सॉरी मोनोकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम और डाइकोट और एंजियोस्पर्म चाहे वो मोनोकोट हो या डाइकोट हो के मोनोकोट स्टेम एनजोस्पर्म की लीफ चाहे वो मोनोकॉट की लीफ हो या डाइकॉट की लीफ हो वेस्टोमंडल क्लोज टाइप होगा ठीक है जबकि डाइकॉट के स्टेम में वैस्टोमंडल जो है वो ओपन टाइप होता है जिम्नोस्पर्म की लीफ में वैस्ट्रोमंडल ओपन टाइप होता है ठीक है ंडल के टाइप पर बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा ना बेटा तीन तरह के के होते हैं अब थोड़ा सा जो है NCRT जो बताया ना बिटवीन द लाइंस ऑफ कई बातें छोड़ा हुआ है उसको हम यहां पर समझेंगे के, तो फंडामेंटली तीन तरह के होते हैं एक होते हैं रेडियल वैस्कोम दूसरे होते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कोमंडल तीसरे होते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कोमंडल देखो बेटा सिंपल सी बात है रेडियल का मतलब है कि वैस्कोम में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पैच में प्रेजेंट है अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है

पौधों में जो वैस्कोमंडल देखे गए थे वो कॉन्सेंट्रिक वैश्वंडल थे जब जब भी कॉन्सेंट्रिक वैस्कोम देखने मिलेगा मतलब बीचों बीच एक कंडक्टिंग टिश्यू होगा चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो और दूसरा उसको घेर रहा होगा तो ऐसे में आपको देखने नहीं मिलेगा इनमें पिथ जो है वो नहीं होता है कॉन्सेंट्रिक वैश्कमंडल में ठीक है देखिए रेडियल वैस्कोम में जाइलम और फ्लोएम आर फाउंड एट सेपरेट एपरेटेज ऑन अल्टरनेट रेडियस ठीक है मोस्ट प्रिमिटिव नेचर के होते हैं और आपको रूट में ये देखने मिलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट में आपको रेडियल वैस्कुलर बंडल देखने मिलते हैं ठीक है देखिए है ना जाइलम और फ्लोएम नल जाइलम का रेडियस देखते हैं हमने कहा ये जाइलम का रेडियस है और ये फ्लोएम का रेडियस है ठीक है ना फिर आते हैं

एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं नहीं बेटा ऐसा आप गलत सोचते हैं क्योंकि आप आपको लगता है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है इसके बाहर कुछ भी कुछ नहीं आएगा लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने जो है दुनिया भर के तमाम कई एग्जाम मैंने दिए हुए हैं मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ये है कि ये कॉम्पिटिशन में आपको टॉप करना है ना तो जो जो भी सिलेबस की रिक्वायरमेंट पूरी हंड्रेड परसेंट पूरी करनी होती है कोई बुक कॉपी आपको जो है वो समझ लीजिए कोई किसी भी हिस्से से पूछ ले आपको उसका आंसर आपको बनना चाहिए

अब देखो कोलेट्रल में क्या होता है फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर ठीक है हमेशा ऐसा अरेंजमेंट देखने मिलेगा फ्लोएम आउटसाइड जाइलम इनसाइड इसे कोलेट्रल बोलते हैं जब कभी ऐसा होता है फ्लोएम बाहर जाइलम बीच में और फ्लोएम अंदर फ्लोएम की दो एक्सटर्नल फ्लोएम इंटरनल फ्लोएम बीच में जाइलम ये बाई कोलेट्रल हो गया ये ठीक है कुकुरबिटा में देखने मिलता है बड़ा okay. कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का कुकुरबिटा में आपको बाई बंडल देखने मिलते हैं ठीक है चलिए देखिए आप क्या देखते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप वैस्टमंडल ये वैस्टमंडल क्या है बेटा ये है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप जो कि हमें डाइकॉट स्टेम में देखने मिलता है देखिए बाहर ज़ाइलम है बाहर फ्लोएम है

वेस्को बंडल ठीक है कोलेट्रल वेस्को बंडल ओपन टाइप होगा बेटा जब इसके बीच में कैमियम की पट्टी प्रेजेंट होगी जब कैमियम की पट्टी प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या कहलाएगा वो क्लोज टाइप होगा ओपन टाइप कहां देखने मिलता है हमें ये देखने मिलता है हमें डाइकॉट स्टेम में देखने मिलता है हमें क्लोज टाइप कहां देखने मिलता है हमें ये मोनोकॉट स्टेम में देखने मिलता है एंड एंड सभी ऑल लिप्स के सभी लिप्स चाहे वो डाइकॉट की लीफ हो या मोनोकॉट की लीफ हो वहां पे क्लोज टाइप एस्ट्रोमेंटल हमको देखने मिलता है ठीक है देखिए कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्टोमेंडल या कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्टोमेंडल जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक रेडियस पर होंगे फ्लोएम बाहर होगा जाइलम इंटरनल होगा ओपन टाइप डाइकॉट स्टेम में देखने मिलेगा क्लोज टाइप मोनोकॉट स्टेम में देखने मिलेगा शॉर्ट में नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये ठीक है शॉर्ट में इसको नोट कर लीजिए ठीक है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप बाइकोलेट्रल वेमेंडल में दो फ्लोएम पैच देखने मिलेंगे एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर और, और ये हमेशा ऑलवेज ओपन टाइप मतलब क्या होगा फ्लोएम केमियम की पट्टी जाइलम, केमियम की पट्टी और फ्लोएम ये हमेशा हमको ओपन टाइप देखने मिलेंगे मेंबर ऑफ फैमिली कुकुर वेरी वेरी आईएमपी ये कई बार मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन बाइकोलेटल आपको फैमिली में देखने मिलते हैं ठीक है फिर आते हैं कॉन्सेंट्रेट वैस्कोम की बात करते हैं इसमें एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू दूसरे प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू से घिरा होता है मतलब या तो जाइलम फ्लोएम को घेरेगा या फ्लोएम जाइलम को घेरेगा ये हमेशा क्लोज टाइप होता है इनमें कभी कैम की पट्टी देखने आपको नहीं मिलेगी ठीक है एक होता है बेटा

तो कॉन्सेंट्रेट वेस्को बेटा अब आप बोलोगे सर ये कहां पे जिक्र आएगा इसका जिक्र आएगा बेटा जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तब इसका जिक्र आएगा ठीक है देखिए

या सेंट्रिक जाइलम सराउंड लेफ्टो फ्लोएम मतलब ये है कि फ्लोएम बीच में होगा जाइलम चारों तरफ इसके होगा ड्रोसिना और यक्का में हमको ये देखने मिलता है ठीक है एम्फिक्राइवल या हाइड्रोसेंट्रिक में क्या होगा फ्लोएम बीच में होगा बेटा सॉरी नहीं जाइलम जाइलम बीच में होगा फ्लोएम चारों ओर से घेरा होगा लिखा ना बेटा हाइड्रोसेंट्रिक बीच में हाइड्रोम या जाइलम होगा होगा चारों तरफ से इसमें क्या फ्लोएम होगा फर्न में लाइकोपोडियम में सृजला में हमको ये देखने मिलता है फर्न में लाइकोपोडियम में में हमको ये देखने मिलता है ठीक है टेरिडो फाइट आए ठीक ये एम अब ये सब क्या है ये सब एमसीक्यू है बेटा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आपको ठीक है ना क्लियर तो वेस्ट मंडल देखा हमने कहा कि एक तो हो गया रेडियल वेस्ट मंडल हो गया बेटा ठीक ठीक फिर हमने क्या बोला हमने कहा कि उसके बाद क्या हो गया उसके बाद जो है, हमने देखा रेडियल में क्या है जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग-अलग में इसलिए हम रेडियल रेडियल प्रिमिटिव टाइप क्योंकि उसमें और एक साथ एक ग्रुप नहीं बनाते अलग अलग होते हैं प्रेजेंट के रेडियस अलग ठीक है फिर कंपाउंड में क्या देखा हमने एक साथ प्रेजेंट है तो वोटल टाइप होंगे या कॉन्सेंट्रेट टाइप होंगे टाइप में क्या देखा हमने कहा हाइड्रोसेंट्रिक या लेप्ट्रोसेंट्रिक होंगे कोलेटरल टाइप में कोलेट्रल ओपन होंगे कोलेटरल क्लोज होंगे या बाई कोलेट्रल होंगे याद रखिएगा ठीक है ना ठीक आप देखिए ये दिमाग में डाल लेंगे बेटा नोट कर लेते हैं ऑफ स्टेम और स्टेम एंड में हम अंतर थोड़ा नोट करते हैं तो कुछ बातें जो एग्जाम देखो मैंने कहा जो भी अंतर हम लिख रहे हैं बेसिकली वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं ताकि एग्जाम में हम कंफ्यूज ना कर जाए ठीक है इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है यहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसलिए चैप्टर को थोड़ा सा हमें उस तरीके से पढ़ना होता है कि इन्फॉर्मेशन दिमाग के अंदर रह जाए तो पहला पॉइंट है डाइकॉट स्टेम में

स्टेम में वैस्को कॉन्जाइन कोलेट्रल ओपन टाइप कुकुर में कोलेट्रल भी होते हैं तो कॉन्जाइन कोलेट्रल और कोलेट्रल एंड ओपन टाइप कोलेट्रल सभी में होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में कोलेट्रल होते हैं जो डाइकॉट की फैमिली है के फिर मोनोकॉट स्टेम देखेंगे वैस्को होते हैं कॉन्जाइंड कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप

अब जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा याद रखना जो भूलना नहीं फिजियोलॉजी में भी काम आएगा बंडल बंडलशित एबसेंट बंडल सीध डाइकोट स्टेम में नहीं होती है अब ये क्या चीज है भला ठीक है ये बेटा वास्तव में जो है वो कायमा से बनी शीत होती है जो कि बंडल को चारों से कवर करती है बंडल शीत इज डेवलप्ड आइदर पार्टली और कंप्लीटली बंडल के तो मोनोकॉट स्टेम में जो बंडल शीत के ये स्कन कायमा से बनी हो सकती है या पैरेंट कायमा से बनी हो सकती है डिपेंड लिविंग नॉन लिविंग दोनों प्रकार की हो सकती है तो बंडल शीत जो होती है वो बंडल को चारों ओर से घेरती है तो याद रख इतना याद रखना है

हम इसे क्या बोलते हैं प्रोटो जाइलम लेक्यूना बोलते हैं इस कैिटी को हम क्या बोलते हैं प्रोटोजाइलम लेक्यूना बोलते हैं नोट कर लो डिटेल में नहीं जाएंगे हम के तो वाटर कंटेनिंग कैविटी हमको देखने मिलती मिलती है किसमें बेटा जो है वो मोनोकॉट में देखने है ले डाइकॉट में नहीं होती है फिर डाइकॉट स्टेम में लिखेंगे हम डाइकॉट दा, स्टेम में लिखेंगे वैस्कोमेंडल आर अरेंज इन रिंग

तो ये अंतर बेटा आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर ठीक है देखिए क्या देख रहे हैं आपे? हमने कहा कि ये मोनोकॉट का बंडल दिखाई पड़ रहा है देखिए आप इसमें से बनी हुई बंडल दिखाई पड़ रही है इसमें हमको अधिकांश में होती है सी प्लांट में ये बंडल शीत लिविंग सेल से बनी होती है ठीक है फिर क्या देख रहे हैं यहां पे हम हमें जो है वो सिप्टु एलिमेंट एलिमेंट कंपेन सेल दिखाई पड़ रहा है एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं और फिर आपको एक लेक्यूना दिखाई पड़ रहा है जो कि प्रोटोजाइलम के नष्ट होने पर बनता है इसलिए प्रोटोजाइलम लेक्यूना कहते हैं इसको हम ठीक है क्लियर लेकिन ना यहां वाटर स्टोरेज वाटर वॉटर भर भराया था कैविटी के, के समान दिखाई पड़ता है ठीक है अब दूसरा कि वॉट इज ऑफ स्टील मैंने पहले भी आपको बताया था कई बार मैं आपको याद करा चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको याद करा चुका हूं को, कि स्टील के कॉन्सेप्ट को दिया था वॉन्टिगम और डूलियट ने इसे टेरिडोफाइटा के लिए प्रस्तुत किया गया था टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में स्टील का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हालांकि उस लेवल तक का क्लासिफिकेशन हमको नहीं पढ़ना होता है जो टेरिडोफाइटा में इस्टील, अलग अलग स्टील कई तरह का होता है एटेक्टो स्टील होता है प्रोटो स्टील होता है साइफोनो स्टील होता है ठीक है एमपी फ्रोक स्टील होता है तो बहुत सारा टाइप स्टील का टाइप होता है वो सब हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमको इतना दिमाग में रखना है ऐसा स्टेम ऐसा स्टेम जिसमें पिथनाओ ऐसा स्टेम जिसके बीचों बीच में पिथनाओ वो है प्रोटो स्टील वो है प्रोटोस्टील पिथ नहीं होता इसमें बंडल वाले में होगा पिथ नहीं होता बीच में उसमें। थीके? थीके? क्या? जो से घिरा हुआ है कॉर्टेक्स की इनर लेयर होती है एंडोडर्मिस क्या क्या शामिल है उसमें शामिल होता है वेस्कोबेंडलिथरे और पैरिसकल में शामिल होता है क्लियर ठीक है और इसका उपयोग हम कंपैरेटिव एनाटॉमिकल फाइलोजेनेटिक स्टडीज में करते हैं फाइटा के क्लासिफिकेशन में इसका यूज करते हैं परंतु मैंने आपसे कहा ना बेटा कि हमको केवल स्टील होता क्या है ये हमको अच्छे से वर्ड मालूम होना चाहिए ठीक है चल आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा क्यों छोटा रहेगा ये क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ठीक है और ये इन, मैं चाहता नहीं हूं मैं मैं चाहूं तो लंबा लंबा करके इसको खत्म कर दू लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसको दिमाग में रखिए उसे दिमाग में सेट कीजिए इन्फॉर्मेशन को क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना तो आपको ये चैप्टर बनेगा ही नहीं दो क्वेश्चन भले ही आता हो चैप्टर से लेकिन हमको वो क्वेश्चन सही बनना चाहिए हमारा बेटा समझ गए ना ठीक है तो अभी और कई बच्चों मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बेटा आप सिर्फ इतना भर कीजिए लेक्चर ध्यान से सुनिए ये मान लीजिए कि आप एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं मैं आपका टीचर हूं आप मेरे सामने बैठे ये आपको मानना पड़ेगा ठीक है सपोज मैथ्स में सपोज कि ऐसा है तो ऐसा है ये मान लीजिए आप आप कि हम और सामने सामने आमने बैठे ठीक है लेक्चर सुनना है

वही प्रोसेस है टॉपर बनने का कोई मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा कोई मैं आपको के के तो लोग कर रहे हैं तुम, तुम, तुम हो रहे हो ठीक है उत्साहित हो रहे हो लेकिन क्या होता है जो फालतू आदमी होता है ना उसके लिए बहुत मनोरंजन होता है काम वाले आदमी के पास तो वक्त ही नहीं है मनोरंजन के लिए ठीक है आप तो जो है वो कि दुनिया आपका नाम लेके मनोरंजन ना करे समझ गए इसीलिए पढ़ना है अपने को अपने को मनोरंजन नहीं बनना है अपने को रोल मॉडल बनना है उसके लिए मेहनत करना बेटा ठीक तो है ना चलिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्टिशो मेंटर्स join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself it's a commando training for your success download biomentors online app from Google Play Store.